हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लाया हूँ जो अनबिलीवेबल है। ऐसी फैक्ट्स जो आपने शायद नहीं सुनी है, और उनमें से तो कुछ फैक्ट्स ऐसी है जो 99% आपने नहीं सुनी है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप लोगों ने कभी ना कभी च्युइंगम तो खाई ही होगी, और आप में से कई लोग च्युइंगम को खा कर कहीं पे भी फेंक देते हैं। आपको पता है च्युइंगम की इन्वेंशन कब हुई थी? इसका आंसर तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कोई भी च्युइंगम खा कर कहीं पे भी फेंक देता है। वैसी एक च्युइंगम साइंटिस्ट को मिली है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पता चला है कि ये च्युइंगम आज से 9000 साल पुरानी है। तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि च्युइंगम बनाने की शुरुआत कहां से हुई थी। लेकिन आप लोगों को च्युइंगम इन्वेंट करने के पीछे का रीजन पता है? हम सब लोग तो च्युइंगम बलून बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप लोग प्याज काटते हो तब आपकी आंखों में जलन होती है। तो जब आप च्युइंगम खाते हुए प्याज काटते हो तो आपकी आंखों में जलन नहीं होती है, इसीलिए च्युइंगम का इन्वेंशन किया गया था। आपकी आंख में जो जलन होती है उसका कारण आप जो प्याज काट रहे हो उसमें से निकलने वाला केमिकल है। लेकिन जब आप च्युइंगम खा रहे होते हो तो च्युइंगम की स्वीटनेस में जो केमिकल होता है वो प्याज में से निकलने वाले केमिकल से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए आपकी आंखों में जलन नहीं होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अब तक कितने कीड़े यानी कि इंसेक्ट्स खाए हैं, तो आप कहेंगे, ए भाई ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने अभी तक कोई भी इंसेक्ट्स नहीं खाया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी गलत फहमी है। साइंटिफिक रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में सोते समय 70 या उससे ज़्यादा इंसेक्ट्स को खा चुका होता है। और इसके अलावा आप सभी लोगों ने चॉकलेट्स तो खाए ही होंगे। चॉकलेट्स बनाने के लिए भी इंसेक्ट्स का इस्तेमाल होता है। USFDA के अनुसार 100 ग्राम चॉकलेट में 60 या उससे ज़्यादा इंसेक्ट्स के पैर को डाला जाता है। आप सभी को कभी हिकप्स यानी कि हिचकी आई ही होगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कब तक हिचकी रहती है? 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आपकी हिचकी सालों तक रह सकती है। जी हाँ, चार्ल्स ओसबोर्न नाम के व्यक्ति को लगातार 69 ईयर्स, जी हाँ 69 ईयर्स तक हिचकी रही थी। आपको क्या लगता है सबसे पहले किसकी शोध हुई होगी, सिगरेट लाइटर की या फिर माचिस की? ज़्यादातर लोग माचिस कहेंगे, लेकिन माचिस से पहले लाइटर का इन्वेंशन हुआ था। 1823 में जर्मन साइंटिस्ट जॉन डोब्रेरन ने हाइड्रोजन और प्लेटिनम से लाइटर की शोध की थी, और 1826 में इंग्लिश केमिस्ट जॉन वॉकर ने फ्लूइड सॉलिड से माचिस की शोध की थी। अब मैं आप लोगों को दो ऐसी फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। पूरे वर्ल्ड में 10 में से 9 लोग आपको ये कहेंगे कि लाइट बल्ब की शोध थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि बल्ब की शोध एडिसन ने नहीं बल्कि जोसेफ स्वान, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। एडिसन ने अपने बल्ब की पैटर्न 1879 में रजिस्टर कराई थी, जबकि स्वान ने अपने बल्ब की पैटर्न 1869 में रजिस्टर कराई थी। लेकिन 1883 में एडिसन की बल्ब पैटर्न को US और ब्रिटिश कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया, और पनिशमेंट में एडिसन को अपनी कंपनी में स्वान को पार्टनरशिप देने के लिए कहा गया। लेकिन आज हम बल्ब के शोधकर्ता एडिसन को मानते हैं, क्योंकि एडिसन ने जो बल्ब पैटर्न रजिस्टर कराई थी उसके अनुसार बल्ब की कैपेसिटी 1200 घंटे की थी, जबकि स्वान की बल्ब पैटर्न के अनुसार बल्ब की कैपेसिटी सिर्फ 13 घंटे की थी। एक नोवास न्यूज के अनुसार सी वाटर कंटेन एवरेज 13 बिलियन ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब कि सागर और महासागर का जो पानी है उसमें 13 बिलियन ग्राम सोना है। तो आप लोग कहेंगे कि हम पानी में से सोना क्यों नहीं निकाल रहे, लेकिन पानी में से सोना निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का खर्च बहुत ही ज़्यादा है। सो गाइस, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।